गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुमेधा सिंह आप सभी का मेरे इस व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज है संडे और आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, सो मैं घर पे ही हूँ और घर का सारा काम हो चुका है। और दिन तो देखिए मैं भागते भागते व्लॉगिंग करती हूँ, आपने मेरी व्लॉगिंग देखी है, जल्दी जल्दी काम करते करते बना देती हूँ। बट आज क्योंकि मैं घर पे हूँ तो मैंने सोचा है कि आपको आराम से मेरे घर के एंट्रेंस गेट जो है मेरे घर का आर्मी क्वार्टर का उसका टूर करवाती हूँ। तो आइए गाइस आपको दिखाती हूँ कि मेरा गेट कैसा है। देखिए सब लोग वैसे तो आते जाते सब अच्छा ही बताते हैं, लेकिन देखते हैं कि आज आपको कैसा लगता है। तो आइए गाइस आज मैं आपको कराती हूँ मेरे क्वार्टर के एंट्रेंस गेट का टूर। विदाउट डेकोरेशन ऐसा लुक है, देखिए नीचे के क्वार्टर का दिखाई दिया आपको। ये है मेरे घर का मेन डोर और इसके ऊपर मैंने हैंग किया है ये वेलकम कोट्स, वेलकम टू आर हैप्पी लिविंग केयरिंग होम। सो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने ग्रास मैट को यूज़ किया है। ये तीनों ही चीज़ें हैंडमेड हैं, मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर बटर पेपर लगा के और फिर उसके ऊपर ये पेंटिंग की है और इसको कट किया है। सो ये दोनों ही चीज़ें तीनों ही चीज़ें हैंडमेड हैं। और यहाँ पे हैं मेरे प्यारे प्यारे प्लांटर्स, ये है सेल्फ प्लांट, काफ़ी छोटा सा लाई थी, इसने भी अच्छा ग्रो किया है मेरे पास आने के बाद। ये है मेरा स्नेक प्लांट और इस वाले प्लांट का ना गाइस मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। इस वाले प्लांट को तो सभी जानते हैं, ये है सिंगोनियम प्लांट, ये इजी ग्रोइंग इंडोर प्लांट है। और ये है मनी प्लांट, इसके अंदर दो वैरायटी लगाई है मैंने मनी प्लांट की, एक ये चौड़े पत्ते वाली और एक ये वाली। और यहाँ पीछे भी मनी प्लांट है, लेकिन इस वाले मनी प्लांट को पता नहीं अभी क्या होने लगा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, मैं क्या करूँ कि ये ठीक हो जाए। और यहाँ पर रखे हैं वंश के स्टोन्स, ये देखिए आप, ये छुट्टियों में इसने स्टोन पेंटिंग की थी, मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया था। यहाँ पे रखे हैं मैंने वंश के स्टोन, यहाँ पे हैं प्लांटर्स में एलिफेंट का सेट, थ्री एलिफेंट्स हैं, ये वंश के पापा हैं, मैं हूँ और वंश है इस टाइप से सोच के मैं लाई थी मेरी फैमिली की उससे। और ये है मेरा प्लांटर, ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। ये है मेरे टर्टल प्लांटर और ये है बुद्धा प्लांटर। और ये वाला स्टैंड भी मीशो से ही है। और ये देखिए ये वाले मेरे प्लांटर, ये रबर प्लांट है मेरा, यहाँ पे है मेरी तुलसी जी। और वो जो कॉर्नर में मनी प्लांट है ना बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, मुझे ये वाला मनी प्लांट बहुत अच्छा लगा, दो चार दिन में एक पत्ता निकाल रहा है और इसने बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये जो है वुडन कटिंग्स, ये देखिए बहुत अच्छी लगती है, ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, ये देखिए आप, ये भी बहुत सुंदर लगती है। सो गाइस ये है मेरे एंट्रेंस का पूरा लुक, मैं आपको पीछे से एकदम अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सिटिंग के लिए दो चेयर्स लगा दी हैं जहाँ शाम के टाइम मैं और वंश बैठ जाते हैं। ये देखिए ये है मेरे एंट्रेंस का पूरा लुक, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है,
जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है आने जाने वालों को। यहाँ पे खड़ी है मेरी कार, सो हैव अ लुक। सो आपको भी आई होप कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिला होगा इस एंट्रेंस को देख के। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा एरिया हो या आपके पास बहुत सारा डेकोरेटिव आइटम्स हो, आप छोटी छोटी चीज़ों से भी अपने मेन डोर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। सो गाइज, यही है मेरे आर्मी क्वार्टर के एंट्रेंस का लुक। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। आई होप गाइज आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी, मेरे घर के एंट्रेंस का ये लुक पसंद आया होगा। ये देखिए, वीडियोस में तो आपने देखा ही है, बट मैंने आज अच्छे से आपको दिखा दिया। काफ़ी धूप है यहाँ पे, है ये। अब अंदर चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो मैं यही कह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा पहले से शानदार बना हो या कैसा हो। गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह के मैंने यही सीखा है कि हम थोड़े भी अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा एंट्रेंस का ये लुक पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, मैं इसमें कुछ और कर सकती हूँ, तो वो भी आप बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल विच इज़ बालाजी फैमिली व्लॉग्स। मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बालाजी फैमिली व्लॉग्स। बाय बाय।